हेलो फ्रेंड्स, रश्मि की अतरंगी रसोई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ एक ऐसा हलवा जो बेहद पौष्टिक है और बहुत ही स्वादिष्ट लगता है, और इसके कई सारे फ़ायदे हैं जो आम लोग नहीं भी जानते हैं। एक चीज़ और भी है कि इसका हलवा बनता है ये बहुत लोग नहीं जानते। तो चलिए, वो क्या है, किस चीज़ का हलवा है वो मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये बीट रूट है या चुकंदर कह सकते हैं, इसको मैंने यहाँ से कट किया हुआ है इसलिए ये ऐसा दिख रहा है। इसके पत्ते भी होते हैं, लाल लाल से होते हैं, और ये ऊपर से उतना खूबसूरत दिखता नहीं है। तो तकरीबन मैंने, और ये वाला हिस्सा जो है इसलिए मैंने छोड़ दिया है कि इसको घिसने में आसानी हो जाए। इसको मैं घिसूँगी, ग्रेट करूँगी। तो ये चार पीसेज हैं, इसका वजन 300 से 350 ग्राम है। तो चलिए, बनाना शुरू करने के लिए सबसे पहले हमें इसको पील करना होगा। इस समय बहुत अच्छे वाले आ जाते हैं, आप इस तरह से चाहे तो इसको पील कर लें या छुरी की सहायता से कर लें, मुझे यही ठीक लग रहा है, इसलिए आराम से ये पील हो रहा है। इसी तरह से सबको पील कर लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने सबको छील लिया है और इसको धोकर साफ़ भी कर लिया है। अब बारी आती है इसको ग्रेट करने की। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि आपके पास जो भी ग्रेटर हो उसका सबसे मोटा वाला हिस्से से आप ग्रेट करें। ये मैंने थोड़ा सा ग्रेट कर भी लिया है, और अगर आपके पास मोटा ग्रेटर नहीं है तो आप इसको ग्राइंड भी कर सकते हैं। तो ग्राइंड करने के लिए आप छोटे छोटे टुकड़ों में इसको कट कर लें और उसके बाद मिक्सी जार में डालें और इसको धीरे धीरे पीसें, जिससे कि चटनी जैसा पीसना नहीं है, इसको दरदरा करना है बस। तो चलिए, मैं ग्रेट करके मिलती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं इसमें मैंने 1 चम्मच देसी घी डाला है, ज़रा सा ही है, और इसमें मैं ये कुछ मेवे थोड़ा सा टॉस कर लूँगी, हल्का सा, बहुत ज़्यादा इसको नहीं भुनना है, बस हो गया। और इसी में मैं डाल दूंगी, अब मैं ये 100 ग्राम मावा है, फ्रिज में से निकाला मैंने इसलिए ये बिल्कुल अकड़ा हुआ है, इसको हल्का सा गरम कर लेना है। मैं निकालना भूल गई थी इसलिए थोड़ा सा ये अकड़ा हुआ है एकदम से, बस इसको ज़्यादा नहीं करना है, बस इस तरह से करके इसको निकाल लेना है। बस फ्रेंड्स, ये हो गया, इसको भी मैं निकाल लूँगी। अब देखिए फ्रेंड, इसी में मैंने 2 बड़ा चम्मच देसी घी फिर से डाल दिया है। गैस मैंने कम किया था तो ये बंद ही हो गया था, नॉनस्टिक है इसलिए गरम हो गया है ये। अब इसी में मैं ये सारे चुकंदर डाल दूंगी। ये गुणों से भरपूर है ये, और इसको छूने से, देखिए टच करने से हाथ लाल लाल हो जाते हैं, जैसे कि मेरा भी आप देख सकते हैं, लेकिन तुरंत अगर साबुन से इसको वॉश कर लेंगे तो स्टेन आपका निकल जाएगा, और अगर स्टेन लगने नहीं देना चाहते हैं तो आप ग्लव्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। बस मैं यहीं पे इसमें थोड़ा सा 2 मिनट इसको मैंने टॉस कर दिया है। अब इस समय मैं इसमें 2 कप दूध डालूंगी, ये देखिए, ये सारी मलाई भी मैं डाल दूंगी। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप नाप कर डालें, बस इसको डुबो दें, पूरा डूब जाए इतना ही आप डालें। हर चीज़ कोई ज़रूरी नहीं है कि नाप जोक से बनाया जाए, कुछ चीज़ों में बहुत ज़रूरत पड़ती है नापने की, लेकिन हर चीज़ में नहीं। ये देखिए, ये बिल्कुल डूब चुका है, तो इसको अब
मीडियम आंच पे थोड़ी देर आप छोड़ दें, 7-8 मिनट, और हल्का फुल्का चलाते रहें। तो देखिए फ्रेंड्स, ये बिल्कुल सूख चुका है, सारा दूध इसमें सोख कर गया है और ये पक भी चुका है। तो अब इस स्टेज पे मैं डालूंगी मावा। अच्छे से इसको मिला ले रही हूँ। ये देखिए बिल्कुल ये गल चुका है। और फिर अब इसी टाइम मैं डालूंगी इसमें चीनी। चीनी पानी रिलीज़ कर देता है, इसलिए पहले नहीं डालना चाहिए। ये 100 ग्राम करीब चीनी है। ये 350 ग्राम हमने चुकंदर लिया था, तो ये 100 ग्राम। चुकंदर थोड़ा मीठा होता है, इसलिए इसमें चीनी थोड़ी कम ही डालनी चाहिए। वैसे आप अपने हिसाब से थोड़ा कम ज़्यादा कर सकते हैं। इस समय मैंने फ्लेम थोड़ा कम ही रखा है, थोड़ा सा आँच बढ़ा दे रही हूँ। अब चीनी के साथ भी 5 मिनट इसको पकाना है। बस ये हो गया है। ये देखिए चीनी मेल्ट होने लगी है। बहुत बढ़िया स्वादिष्ट हलवा बन के तैयार हुआ है। ये देखिए कलर भी कितना खूबसूरत आ रहा है। इतना पौष्टिक है कि हर किसी को बना के खाना चाहिए। बहुत लोगों को नहीं अच्छा लगता है वैसे, तो इस तरह से आप खाएं, बनाकर बहुत ही स्वादिष्ट लगेगा, सभी पसंद करेंगे। सबसे ज़्यादा इसका कलर बहुत बच्चे बहुत पसंद करते हैं। थोड़ा सा इसको और सुखाऊंगी मैं। चीनी मेल्ट हो गई है, तो बस इसी टाइम बस सुखा कर, और उसके बाद कुछ मेवे मैंने रखे हैं अलग से, जैसे कि बादाम और काजू तो हमने थोड़ा सा रोस्ट कर लिया था, और किशमिश मैं ऐसे ही डालूंगी, और थोड़ा सा पिस्ता भी हमने कट करके रख दिया है। अब इसको किसी और बर्तन में मैं निकाल ले रही हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, फाइनली ये हलवा बिल्कुल चूल्हे से नीचे आ गया है। ये देखिए इसकी थिकनेस और कलर देखिए कितना बढ़िया है। तो मुझे पहले भी डाल सकती थी मैं, तो ये मैं हरी इलायची डाल रही हूँ जो कि हमने दरदरा कूट के रखा है। ये हलवा बिल्कुल अभी गर्म ही है, और इलायची हमेशा लास्ट में ही डालना चाहिए मीठी चीज़ों में। तो ये मैंने डाल दिया है, और मेवे आप पहले भी डाल सकते हैं और बाद में भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा मैं गार्निश के लिए थोड़ा सा बचाऊंगी, और किशमिश भी मैंने डाल दिया। अब ये बिल्कुल बन के रेडी है, इसमें कुछ भी डलना नहीं है। आप चाहें जैसे सजा लें, या कोई और मेवा इसमें ऐड करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो चलिए मैं एक प्लेट में निकाल ले रही हूँ। तो फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं आप कि मैंने थोड़ा पिस्ता से भी सजा दिया है। पिस्ता का टेस्ट भी अच्छा होता है मीठी चीज़ों में। तो आप मेरी इस रेसिपी को बनाकर ज़रूर ट्राई करें, और अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन प्रेस करके हमें ऑल ज़रूर कर दीजिए, जिससे कि आने वाली मेरी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू।